अगला टॉपिक हम लोग का है न्यूक्लिक एसिड, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक अम्ल, या इसको हिंदी में केंद्रक अम्ल भी कह सकते हैं। मैंने हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल भी कहेंगे तो भी सही है, या केंद्रक अम्ल भी कहेंगे तो भी सही है। अब बात है कि पावल कहाँ जाता है, ठीक ना, तो ये किसी भी कोशिका के अंदर पावल जाता है। जैसे देखो, मान लें कि कोई सेल है यानी कोशिका है, ठीक ना, इसके बीच वाले भाग में न्यूक्लियस पावल जाता है। इसके बीच वाले भाग में क्या पावल जाता है, केंद्रक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है, इसी को बोल दिया जाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल भी कह सकते हैं, या फिर कुछ केंद्रक अम्ल कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड आखिर पावल कहाँ जाता है, ठीक। तो देखो, कोई कोशिका है तो कोशिका के बीचे वाले भाग को केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ पावल जाता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो अब बात है कि न्यूक्लिक एसिड को कैसे परिभाषित करेंगे, मैंने कि न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं, तो किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, याद रहेगा। या किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में पाए जाने वाले चिपचिपा पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, तो इतना याद रहेगा। अब आगे देखो, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, क्या प्रकार के, दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कितना प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन, डीएनए आरएनए। ये जो है शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम लिखा हुआ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा जी। डीएनए का पूरा नाम बोलो, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो, अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से दो तीन को क्वेश्चन बनता है, पूछेगा ना कि डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किसने किया था, मान कि सबसे पहला बार संश्लेषण मैंने बताया था, निर्माण करना होता है। तो डीएनए का सबसे पहला अवलोकन सबसे पहला बार किसने देखा था, मान कि सबसे पहलका बार किसने जानकारी दिया था, तो कॉर्नबर्ग, याद रखना, वैज्ञानिक का नाम है कुछ कॉर्नबर्ग, यानी कहेगा कि डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किस वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन अगर कहा कि ना इससे आगे, यानी कि इसका खोजकर्ता कौन है, इसका मॉडल डिजाइन किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने, किसने, वाटसन एवं, दो वैज्ञानिक है, वाटसन एवं क्रिक ने, याद रहेगा। और डीएनए का जो मॉडल है ना, डबल हेलिक्स है, कैसा है, डबल हेलिक्स, हिंदी में बोलते हैं द्वि कुंडलित, माने कि दो गो ऐसे रस्सी जैसा, देखो एक रस्सी वाला हुआ ना, एगो वाला ऐसे है ना, तो यही है, इसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, या द्वि कुंडलित मॉडल या डिजाइन किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने, याद रहेगा। कहेगा कि डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग, किसने, कॉर्नबर्ग। डीएनए का मॉडल यानी कि डिजाइन किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का मॉडल कैसा होता है, डबल हेलिक्स, इंग्लिश में बोलेंगे तो डबल हेलिक्स, और हिंदी में बोलेंगे तो द्वि कुंडलित, ना बुझाए तो ऐसे दूगो रस्सी वाला, ठीक ना, यानी कि एगो ऐसे रस्सी और एगो ऐसे। इतना में किसी को दुख, बताए होंगे पहले कि हम लोग का जो शरीर है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक ना, बहुत सारा कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कहीं एक जगह से एगो छोटा सा ऐसे कोशिका निकाल, तो उन लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि शरीर का कोनो एगो कोशिका थोड़ा सा ले लिया और उसको जूम करके देखा, तो कोशिका है और उसको जूम करेंगे तो बीच में केंद्रक पावल जाएगा, ठीक ना। तो अब वैज्ञानिक लोग सोचा कि इस केंद्रकवा के अंदर का है, ठीक, तो उस केंद्रक के अंदर देखा गया तो क्रोमोजोम मिला, कुछ मिला, क्रोमोजोम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुण सूत्र। ये हमेशा जोड़ा के रूप में रहता है, ये हमेशा रहता है जोड़ा के रूप में, जैसे यहाँ देखो दो गो क्रोमोजोम है, एक जोड़ा और संख्या में दो, जैसे देखो एगो ई वाला हुआ एक पार्ट, एक भागी वाला और एक भागी वाला, ये हमेशा जोड़ा में रहता है, जैसे मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या था 23 जोड़ा और संख्या में कितना 46, प्याज में कितना होता है जी, प्याज में गुण सूत्र, प्याज में गुण सूत्र 16, प्याज में गुण सूत्र कितना होता है 8 जोड़ा ना हुआ, हमेशा जोड़ा के रूप में याद कैसे रखेंगे, तो प्याज छोलह, तो प्याज में गुण सूत्र 16, अरे याद रहेगा, प्याज को छोला जाता ना है, तो प्याज छोला, तो प्याज में गुणसूत्र 16, कितना आसानी से याद हो गया ना। अब देखो, तब वैज्ञानिक लोग देखा कि आखिर इस केंद्रक के अंदर है क्या, इस केंद्रक के अंदर है क्या, तो केंद्रक के अंदर देखा गया था कुछ मिला, क्रोमोजोम मिला, क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा के रूप में रहता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और था, सोचा कि ठीक है केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, तभी क्रोमोजोम के अंदर क्या है, ठीक ना, तो क्रोमोजोमों के थोड़ा सा इसे घींच के देखा गया, इसे तो देखो लच्छा टाइप के बनल है कि ना,
तो लच्छा टाइप के बनल है, इसी को बोलते हैं कोची डीएनए, यानी कि क्रोमोजोम को और घींचा गया ना, तो किसका निर्माण हो गया, मैंने किसका प्राप्ति हुआ, डीएनए का। लेकिन एक और वैज्ञानिक खरखा था, वो का किया ना कि आउ धर के घींच दिया, आउ छितर गया, दगरा छितर गया है का समझा, तो आउ छितर गया ना, तो फिर किसका निर्माण हो गया, जीन का। इसका खोज किया था जोहानसन ने, जैसे यहाँ तक डीएनए प्राप्त हुआ ना, और ऊ जगह आउ धर के घींच दिया के जोहानसन, ठीक ना, तो किसका निर्माण हो गया था, जीन का। यानी कहने का मतलब कोशिका के अंदर केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक, ठीक है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड, लेकिन केंद्रक को अगर देखेंगे तो उसके अंदर क्रोमोजोम, ओकरो अंदर डीएनए, और इसका भी अंदर यानी कि जीन। कहने का मतलब कि तरह ये तीनों एक है जी, अगर देखा जाए तो लगभग तीनों सेम है, क्या है कि देखो जीन को समेटेंगे तो डीएनए, और डीएनए को घुसर देंगे ओकरा में तो काजी बन जाएगा क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कहाँ से आया है, केंद्रक से आया है। केंद्रक किस में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में सेल में ना पाया जाता है। कोई डीएनए जो है ना, इसको बोलते हैं आनुवांशिक गुणों का वाहक। डीएनए को क्या बोलते हैं, आनुवांशिक, आनुवांशिक गुण का अर्थ है ना जेनेटिक गुण, मतलब कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे माता पिता का जो गुण होता है उनका लड़का में लड़की में हो जाता है, ठीक ना, तो उसी को बोलते हैं आनुवांशिक गुण। तो इसका काम क्या करता है, डीएनए। तो देखो लेकिन कभी कभी क्या होता ना है कि डीएनए जो होता है ना, ऐसे डीएनए के पास गलत इन्फॉर्मेशन चल जाता है, मतलब गलत सूचना, डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए कभी कभी देखना कोनो के 6 उंगली हो जाएगा ना जाता है, कोनो का पोछ निकल जाएगा। जैसे कोई माँ के पेट में बच्चा है, ठीक, पल रहा है, तो कोई तो बताने वाला होगा ना कि 5 उंगली हो गया है बस, का जी 2 को आँख हो गया बस, यही बताएगा कि हाँ मुँह यहाँ आगे होना चाहिए, कान इधर होना चाहिए, अब पता चला कि मुँह यहाँ रख दिए और कान यहाँ, तो खाएंगे इसे, सूंघेंगे इसे, दिक्कत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इस समय कोई ना कोई बताता ना है, तो क्या बताता है, डीएनए बताता है। लेकिन यही कभी कभी डिफेक्टेड हो जाता है, गलत सूचना चल जाता है, तो कोनो का पोछ निकल गया, 6 उंगली हो गया, कोनो के 3 आँख निकल गया, तो समझो कि उसका डीएनए कुछ हो गया, डिफेक्टेड हुआ है, गलत सूचना चल गया। इतना में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अब देखो जब आगे बढ़ल गया ना, तो देखा गया कि जीन के अंदर भी कुछ है जिसको बोला गया है न्यूक्लियोटाइड। का जी बोला गया है, देखो ये रस्सी के समान नजर आ रही रसिया जी, इसको बोलते हैं कोचे न्यूक्लियोटाइड। इस रस्सी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, कहेगा ना कि डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है, तो यही याद कर लेना है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का मूल मात्रक, मूल मात्रक का अर्थ है कि डीएनए मिलकर केकरा से बना है, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना है। डीएनए किससे मिलकर बना है, अब बड़ी माने न्यूक्लियोटाइड रहता है, इसीलिए डीएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। साइंस में किसी भी चीज को ज्यादा कर देंगे ना, तो उसको बोलते हैं पॉली। जैसे टेक्निक को ज्यादा कर देंगे पॉलीटेक्निक, समझ में रहा, तो साइंस में किसी भी चीज को ज्यादा कर देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉली। तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड। इसका अर्थ हुआ ना कि डीएनए जो है से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली माने के ढेर माने। जैसे कहने का मतलब कि जैसे आप कोई कहा कि रोटी का इकाई क्या है, रोटी का मूल मात्रक क्या है, तो आटा, सही बोल दिए, अरे सही है ना बोले। लड्डू का मूल मात्रक कुछ है, तो बुनिया, छोटा छोटा बुनिया वही से ना बनता है, तो वैसे ही डीएनए का मूल मात्रक कुछ है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन न्यूक्लियोटाइड अकेले नहीं रहता है, बड़ी ढेर मानी, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं कि डीएनए का एक और नाम क्या हो जाएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, का है कि न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। अरे समझ में आ रहा है, इसके आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो रस्सी के समान है इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक ना। अब ये रसिया जहाँ मिल रहा है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये जो रसिया जहाँ मिल रहा ना है, एकरा का जी बोलते हैं क्रोमैटिन। तो इतना में किसी को दुख, तब क्वेश्चन पूछते हैं, अरे पूछे हैं, बोलो न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं। तो किसी भी कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले एसिड को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर बीचों बीच वाले मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में एगो चिपचिपा पदार्थ जरा केंद्रक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इतना में किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के, कौन कौन, डीएनए, आरएनए। डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद बताना है कि आनुवांशिक गुणों का वाहन कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए रहेगा जीन मार सकते हैं, जीनों ने रहेगा क्रोमोजोम मार सकते हैं, क्या है कि जीन को समेटेंगे डीएनए, और डीएनए को समेट देंगे क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है, किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी कोशिका के। डीएनए का सबसे पहला अवलोकन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग, किसने किया था। डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक, किसने दिया था जी, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का मॉडल कैसा होता है, इंग्लिश में डबल हेलिक्स, हिंदी में द्विकुंडली, ना बुझाए तो इसे दू गो रस्सी। अच्छा, जीन का खोज किसने किया था, तो जीन जस्ट जोहानसन। कितना आसान है काजी, जीन का खोज किसने किया था, जोहानसन।
डीएनए को अभी बताएं इससे पहले कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, कोई दिक्कत? डीएनए को देखो मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया, यहाँ देखो न्यूक्लियोसाइड और यहाँ क्या लिखा है जी फॉस्फेट। याद रहेगा डीएनए को शुरू भर में मुख्य रूप से कई भाग में बांटा गया है, दो भाग में, कौन कौन? न्यूक्लियोसाइड और ये वाला कोची है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड दो भाग में देखो शुगर सरकरा शुगर और फिर यहाँ नाइट्रोजन बेस, इसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार, ठीक ना? तो अब ध्यान दो, इसको हम ना भी बोल सकते हैं तो बोलेंगे ना कि डीएनए मुख्य रूप से तीन भाग से मिलकर बना है, कौन इसको ना बोलेंगे तैसे कि शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। याद रहेगा जी डीएनए मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन? शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट, ठीक ना? शुगर दो प्रकार के, अगर कहेगा कि आरएनए में कौन शुगर तो राइबोज शुगर, डीएनए में कौन शुगर तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसलिए शुगर दो प्रकार के। ये जो नाइट्रोजनी क्षार है ना नाइट्रोजन बेस, वो दो भाग में बांटा गया, देखो प्यूरिन और पिरिडिमिन, प्यूरिन और कौन सी पिरिडिमिन या पाइरिडिमिन जो भी बोलो चलता है इंग्लिश में, ठीक ना? प्यूरिन भी दो प्रकार के, देखो कोड, देखो कोड लिख दिया ताकि आसानी हो, ठीक ना? पूरा नाम याद हो जाएगा, एडिनिन गुआनिन। प्यूरिन में दो गो आएगा, कौन कौन? एडिनिन गुआनिन। पाइरिडिमिन में भी दो गो, कौन कौन? थाइमिन और साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन। फॉस्फेट का कोई प्रकार नहीं होता, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा ना कि डीएनए में कौन सा तत्व तो पाया जाता है, बोलो तो डीएनए में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? तो देखो ये जो नाइट्रोजन है तत्व तो नहीं है, तो नाइट्रोजन क्षार है, ये सबन है एडिनिन। अगर ऐसे कहेगा ना कि कुल, माने कि कुल नाइट्रोजन क्षार कै गो, तो चार गो, ये ना एडिनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, तो ये नाइट्रोजन तत्व आंसर नहीं देना, ये नाइट्रोजन क्षार है। ये जो फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट यानी कि कौन सी फास्फोरस ओकरा में है, तो कहेगा ना कि डीएनए में कौन सा तत्व पावल जाता है, तो आंसर देना है फास्फोरस। डीएनए में कौन सा क्षार पावल जाता है, तो नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार कुल कै गो? चार गो, कौन कौन? एडिनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन। लेकिन कहेगा कि एडिनिन और गुआनिन किस में आ जाएंगे, तो प्यूरिन में आ जाएंगे, ठीक ना? थायमिन और साइटोसिन किस में आ जाएंगे, तो पिरिडिमिन में आ जाएंगे। अब देखो ये जो ए है ना, ए एडिनिन, ए जुटता है टी के साथ और जी जुटता है सी के साथ, तीस बॉन्ड से हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ए जुटा है, मैंने ए को मोहब्बत होता है टी से काजे, और जी को मोहब्बत होता है सी से, तो पहले दो आता है कि पहले तीन आता है? पहले दो आता है, तो ए जुट जाता है टी के साथ दो गो हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी जुट जाता है सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो समझ में आ रहा है ना, तो एडिनिन किसके साथ? थाइमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। एडिनिन और थाइमिन के बीच कै गो हाइड्रोजन बॉन्ड? तो दो गो यानी डबल। गुआनिन और साइटोसिन के बीच कै गो हाइड्रोजन बॉन्ड? तो तीन गो यानी कि ट्रिपल। तो बोलो इतना में किसी को दुख? ये देखो ये जो रस्सी है डीएनए का स्ट्रक्चर है, अरे डीएनए का स्ट्रक्चर है ना डीएनए का, तो बताया ये रस्सिया को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। देखो तो एक तरफ रहता है प्यूरिन, एक तरफ कुछ रहता है प्यूरिन और एक तरफ रहता है पिरिडिमिन, एक तरफ प्यूरिन और एक तरफ पिरिडिमिन। तो देखो प्यूरिन जुटेगा पिरिडिमिन से, यानी ए जुटेगा टी से, तो देखो ए जुटल है टी से, फिर देखो जी जुटल है सी से, जी जुटल है सी से, फिर वैसे ही ATGC, एक तरह से ट्रिक हो गया। कैसे याद रखेंगे? ATGC याद रहेगा, ATGC, ए टी के साथ और जी सी के साथ, ए से एडिनिन, ए से एडिनिन, जी से, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्यूरिन के अंतर्गत। टी से थाइमिन और सी से साइटोसिन, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पाइरिडिमिन के साथ। इतना में किसी को दुख याद रहेगा जी? कहेंगे कि प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, तो बोलो कहेंगे प्यूरिन में कौन कौन आते हैं, तो दुख नाम ना बोलेंगे एडिनिन और गुआनिन। पाइरिडिमिन में कौन कौन आएगा? थायमिन और साइटोसिन। अरे याद रहेगा, देखो प्यूरिन बोलो पिरिडिमिन, देखो इसके अपेक्षा ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है बोलने में और लिखे में, अभी थोड़ा सा शॉर्ट है, प्यूरिन छोटा है, तो इसको शॉर्ट में याद कर लेंगे ए जी। कौन सी याद करेंगे? ए जी। महिला लोग अपने पति को बोलती ना है कौन सी? ए जी। तो ए जी मैंने कौन सी? अबे गधा सुनिए जी, ताकि सुनबे गधा, तनि ध्यान देना है, ठीक ना? तो छोटका को शॉर्ट में याद कर लेंगे ए जी, माने एडिनिन और गुआनिन, और बड़का के टी सी, बोलो ट्रांसफर 20 बार बोल दिए रखने से यार चौपट कर देगा, थायमिन और साइटोसिन। अब देखो जी, अब थोड़ा सा अभी इसके बाद आरएनए का चर्चा करेंगे। तो देखो सिंपल है, जैसे डीएनए का मॉडल दो गो रस्सी वाला डबल हेलिक्स होता ना है, आरएनए कुछ ऐसा होगा, देखो सिंगल रस्सी वाला,
सिंगल स्टैंडर्ड एगो रसी ओकरा में रहेगा तो आरएनए कुछ रहेगा एकदम आसान है। देखो अगर हमने के पास डीएनए है ना तो आराम से आरएनए बना सकते हैं। कैसे देखो डीएनए में जो नाइट्रोजन छार थाइमिन है ना थाइमिन को हटा के जोड़ देंगे यूरेसिल। थाइमिन को हटा के कब जोड़ देंगे यूरासिल को हो या यूरेसिल बतिया के है ठीक ना। तो अगर इससे साबित होता है कि अगर हम लोग के पास डीएनए है तो आराम से आरएनए बना सकते हैं। कैसे थाइमिन को हटा के यूरेसिल जोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमने के पास आरएनए है तो डीएनए बना सकते हैं कि ना एकदम बना सकते हैं। अरे आरएनए रहेगा तो यूरासिल रहेगा और यूरासिल को हटा के थाइमिन को जोड़ देंगे तो इतना में किसी को दुख यानी कहे का मतलब कि अगर ऐसा है तो कुछ है डीएनए है इसको हटा दिए ऐसा है तो कुछ है आरएनए है। समझ में आ रही है डीएनए पढ़ लिया पढ़ते हैं आरएनए दो दिन को बात है। इसी सिंपल देखो आरएनए का मेन काम क्या होता है देखो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। संश्लेषण मैंने होता है निर्माण करना। देखो ऐसा अगर कहा कि प्रोटीन के बनाता है तो राइबोसोम अरे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते ना हाँ। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक के होता है तो आरएनए सहायक होता है नहीं रहेगा तो बनबे नहीं करेगा। अब सुनो ध्यान से आरएनए का संरचना भी बताएं कि डीएनए का डबल हेलिक्स और आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड माने एगो रस्सी वाला राइसन। आरएनए में कौन शुगर राइबोज बेस। आरएनए में छार क्या रहेगा तो थाइमिन को हटा के यूरेसिल जोड़ देंगे तो आरएनए बन जाएगा। इतना में किसी को दुख बोलो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। आरएनए का संरचना कैसा होता है आरएनए में कौन सा शुगर आरएनए में कौन सा बेस यूरासिल मतलब थाइमिन को हटा के यूरासिल। अब देखो ये जो आरएनए है से तीन प्रकार के क्या प्रकार के एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए। एमआरएनए माने कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम आरएनए ठीक ना। राइबोसोम में भी जाकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के बारे में तो पढ़िए लिए हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो एसिड से। तो जब 20 अलग अलग एमिनो एसिड आपस में मिलते ना हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है जेकरा में 10 गो दो भाग में बांटा रहता है 10+10 20 होता है जेकरा में 10 गो एमिनो एसिड कुछ रहता है जिस शरीर में अपने आप निर्माण हो जाता है उसको भोजन करने की जरूरत नहीं होकर कुछ कहते हैं अनावश्यक ठीक ना। और 10 गो ऐसा होता है कि शरीर में निर्माण होता है भोजन करेंगे तब मिलेगा तो क्या बोलते हैं आवश्यक। 10 गो आवश्यक तो आवश्यक है तो शरीर से मतलब नहीं है भोजन से लेवे पड़ेगा तो यहाँ लिख दे भोजन। 10 गो और है जो काची हो जाएगा अनावश्यक भोजन से जरूरी नहीं है शरीर में ही निर्माण हो जाता है। और 10+10 कितना हो जाएगा 20। अब 20 गो जब एमिनो एसिड मिलेगा एमिनो एसिड तो एगो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा कि ना हो जाएगा एक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो आरएनए तीन प्रकार के मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए आरआरएनए यानी कि राइबोसोम आरएनए। देखो तो मान लो कि हम भोजन किए तो भोजन किए तो 200 प्रकार के ओकरा में एमिनो एसिड है क्या कि सब ना है तो हम भोजन किए तो ओकरा में 200 प्रकार के एमिनो एसिड है लेकिन 10 गो तो पहले से शरीर में है 10 गो ना हमारा चुनेला है जो आवश्यक है ओकरे ना भोजन हम से चुनेंगे बाकी तो 10 गो ही है। तो समझ में आ रहा है के चुनने का काम करता है पहचानने का काम करता है एमआरएनए। जैसे मैंने हम भोजन किए तो 10 गो तो हमने के पहले शरीर में है मैसेंजर आरएनए चुन चुन के 10 गो के साइड कर देता है कि यही 10 गो के हमारा जरूरी है अब अपने लेके नहीं जाता है क्या कि मान लो कि 10 गो चुन के अपने लेके जाए थे पहुंचावे तो फिर तो आप 11 हिलिए जाएगा फिर समझ में आ रहा है। तो बहुत चलाक होता है 10 गो के चुन लिया कि 10 गो के जरूरी है आई बुलाता है एकरा केकरा ट्रांसफर आरएनए की परिवहन करता है इस ई बोला के अब इसको दे देता है कि ले जाइए केकरा पास राइबोसोम आरएनए के पास तो ये जाके यहाँ पर सही बात है राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। तो हम जब भोजन करते हैं तो आवश्यक एमिनो एसिड का पहचान कौन करता है तो एमआरएनए परिवहन कौन करता है टीआरएनए जाके निर्माण कहाँ पर हो जाता है आरआरएनए। इतना में किसी को दुख एक डीएनए अपने से एक वाव डीएनए बना ले जैसे फोटोकॉपी ना होता है एगो पेज रहेगा 10-20 को फोटोकॉपी हो जाता है तो एक डीएनए अपने खुद से रिप्लिकेट होके माने अपने आप फोटोकॉपी करके प्रतिलिपि तैयार करे वाव डीएनए बन जाए तो ओकरा का बोलते हैं रिप्लिकेशन। और याद रहेगा डीएनए से अगर आरएनए बन जाए तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते प्रक्रिया का नाम है ठीक ना। डीएनए से आरएनए बन जाए तो ट्रांसक्रिप्शन और अगर आरएनए से डीएनए देखो तो उल्टा हो रहा है रिवर्स तो एकरा बोल देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब देखो प्रोटीन से आरएनए बना सकते हैं लौटे के तीर के चिन्ह है नहीं है यानी यहां से पूछेगा ना कि प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं अरे तो प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ में आई फिर से एक बार एक डीएनए अपने और डीएनए बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनना आरएनए से डीएनए और आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया क्या कहते हैं